हेलो बेटा, कैसे हो? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग के साथ साथ अब हमने इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन करना है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर भी बेस्ड है कि हाउ कैन यू डिटरमाइन ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द सेल होता है। ई नॉट सेल बेसिकली इज अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड व्हेन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन। अगर हमें दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अदरवाइज इसी में अगर आप ई ऑफ ऑक्सीडेशन, ई ऑफ रिडक्शन ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ई ऑफ ऑक्सीडेशन, ई ऑफ रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे आपको ये एनोड का पोटेंशियल होना चाहिए था और ये कैथोड का होना चाहिए था, तो दोनों का फिर सम अप कर देते हैं तो ये सेल आ जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में ना आपको सेल कैसे दिया होगा। जैसे सपोज ये एनोड है तो एनोड आपको कुछ इस तरीका से शो होगा ZN से ZN2+, ताकि आपको लगे कि ये ऑक्सीडेशन है। फिर सॉल्ट ब्रिज दिया गया होगा और फिर कैथोड हाफ सेल लिखा होगा, ये रिडक्शन शो होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इनके पोटेंशियल्स भी नोन होंगे, साथ साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी आपको गिवन होंगे, उन्हें आपने देखना है। अगर कोई पोटेंशियल ऐसे लिखा है लाइक दिस ZN2+ से ZN, तो समझ जाइए कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और अगर कोई इस टाइप से मेंशन है जैसे CU से CU2+, प्लस चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, इन केस अगर कहीं पे आपने किसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप ये माइनस साइन लगा के रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली ये रिडक्शन पोटेंशियल्स के लिए है। ये अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन दिया तो सम कर दो, और अगर दोनों पे आपको ऑक्सीडेशन दिए हो तो ई एनोड माइनस ई कैथोड का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ओके, नाउ देखते हैं कि कैसे करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। थ्री टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसमें। पहले तो यही कि कैलकुलेट करो ई नॉट सेल। सेकेंड आ सकता है आपको कि चेक फॉर द स्पॉन्टेनिटी, क्या सेल स्पॉन्टेनियस है। थर्ड आ सकता है कि राइट सेल रिएक्शन, और अगर आपको सेल रिएक्शन दी है तो सेल रिप्रेजेंटेशन भी आ सकता है लिखने को, कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन दो टाइप की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं इसमें, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ई सेल के अलावा। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आप देख कर। मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। मेरे पास एक क्वेश्चन है, गिवन दैट ये क्वेश्चन है निकल से निकल 2+ सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है एंड Cu2+ to Cu। इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसकी भी 1 मोलर है, ये एक्वस मेंशन है और ये सॉलिड्स है, तो ये रॉड्स होंगे, इलेक्ट्रोड रॉड्स, ये गिवन है हमें। साथ में बेटा हमें गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ni2+ to Ni का, ऐसे गिवन है। ये वैल्यू है 0.59 वोल्ट और हमें गिवन है ई नॉट ऑफ Cu2+ to Cu 0.34 वोल्ट। अब जरा देखिए आप, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है और ये आपको हाफ सेल्स गिवन है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है और ये हाफ सेल्स गिवन है, ठीक है। सोचो 2 मिनट कैसे करेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला
ये आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ये भी आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए है। आप देखिए, वैसे तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये अप्लाई कर देना है आपने, ठीक है। ये पहला वाला हाफ सेल एनोड हाफ सेल होता है, दूसरा वाला हाफ सेल कैथोड हाफ सेल होता है, एनआई से एनआई टू प्लस, ठीक है, एनोड पे ये हो रहा है। तो इसका मतलब है एनोड का पोटेंशियल ये वाला लिया जाएगा, कैथोड का पोटेंशियल ये वाला लिया जाएगा। मैंने फॉर्मूला ही रिडक्शन वाला लगाया है, इसलिए आपने कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी, क्योंकि दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। सो इसकी वैल्यू होगी 0.59 माइनस, इसकी वैल्यू होगी 0.34 वोल्ट, ठीक है। दोनों में आप डिफरेंशिएट कर दो, इट इज 0.25 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी इस सेल के लिए, ये पोटेंशियल्स दिए थे, ये इसका ई नॉट सेल हो गया, ई नॉट सेल हो गया, एक क्वेश्चन का पार्ट हो गया, कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आई है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से यू कैन से दिस सेल इज स्पॉन्टेनियस, ये सेल स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है। नाउ इफ यू हैव टू गिवन, इफ हैव टू से दैट राइट द सेल रिएक्शन ऑफ दिस वन, इसके अंदर सेल रिएक्शन भी लिखना है, तो वो वाला एनोड हाफ सेल है, एनोड की रिएक्शन क्या बनेगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसकी रिएक्शन बनेगी निकल गोज टू निकल टू प्लस विद द लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, दिस इज एनोड हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड हाफ सेल रिएक्शन क्या बनेगी, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन बनेगी सीयू टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन टू सीयू, ठीक है, ये एक्वस है, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। लेकिन ऐड करने से पहले ये देख लिया करो क्या इनके इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज्ड और गेन सेम है, कैथोड पर रिडक्शन एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन सेम ना होते तो मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को इस पूरी रिएक्शन से, इसके नंबर को इन पूरी रिएक्शन से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करता। फिलहाल यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, निकल सी टू प्लस एक्वस इट गोज Ni2 plus aqueous to Cu, मतलब इस रिएक्शन के मुताबिक दिस इज द सेल रिएक्शन, निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर सॉल्यूशन का कॉपर से रिडक्शन हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि निकल के कंटेनर में हम कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते, क्योंकि निकल मोर रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और ना ही हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को निकल से स्टेयर कर सकते हैं, निकल की रॉड से। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड ये मैंने आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं, एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एंड देन आप ट्राई करना करके सॉल्व करके देखना है फिर आपने, ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ, अब मैं आपको एक सेल दे रहा हूँ जिसमें रिएक्शंस गिवन है, वी हैव टू गिवन Pb2 plus 2 electron to Pb, इस reaction का electrode potential है minus 0.13 volt, reaction reduction की है तो ये reduction potential हो गया, ठीक है। एक और reaction दी है Ag plus 1 electron to Ag, ये solid है मतलब ये rod के form में होंगे, ये ions है तो ये solution के form में होंगे, इसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है प्लस 0.80 वोल्ट, डेफिनेटली ये भी रिडक्शन है तो ये भी आपको रिडक्शन की रिएक्शन दी है Ag टू Ag। अब पहले तो आपने इससे सेल रिएक्शन पे सेल लिखना है, बेटा जो सेल होता है या सेल रिएक्शन होता है उसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है एक का रिडक्शन होता है, यहाँ तो दोनों का रिडक्शन दे रखा है, ठीक है, दोनों तो रिडक्शन हो नहीं सकते, आपने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसी सेल या सेल रिएक्शन लिखनी है जिसमें एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो। तो आप देखा क्या करो, जब हमने सेल बनाना है तो स्पॉन्टेनियस भी बनाना होगा, तो हम इन दोनों में से किसी एक को ऑक्सीडेशन लिखेंगे क्योंकि दोनों रिडक्शन है, और जिसको भी ऑक्सीडेशन लिखो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि लिखने के बाद नेट ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो अगर मैं ये रिडक्शन है इसको ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और फिर सम करूंगा तो नेट माइनस में ही आएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ
ऊपर वाली रिएक्शन को ऑक्सीडेशन दिखा रहा हूँ, क्या बन जाएगा अभी, पीबी सॉलिड इट गिव्स पीबी टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, और इसका जो ये पोटेंशियल था ये ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो 0.13 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये वाली सेल रिएक्शन आप ऐसे ही रखिए क्योंकि इसका तो पोटेंशियल पहले से ही पॉजिटिव है, जिसका पॉजिटिव है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो आप उसे चेंज करो जो पॉजिटिव में कम हो। इट गिव्स एजी, इसका रिडक्शन ही रखते हैं, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास रहेगा 0.80। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि ये जो रिएक्शन है मैंने एनोड हाफ सेल ले ली, एनोड हाफ सेल मतलब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, इसको मैंने कैथोड हाफ सेल लिया मतलब रिडक्शन की रिएक्शन है। ठीक है, दोनों को मैंने समअप कर दिया, लेकिन उससे पहले मैंने देखा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ 1 का चेंज है, सो इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए, यू गेट पीबी सॉलिड एजी प्लस 2 Ag+ आ जाएंगे इक्वल टू Pb2+ एंड 2 Ag। ये बना बेटा सेल रिएक्शन, और इसका EMF ये ऐड हो जाएगा, नेट E सेल जो आएगा ये बन गया 0.93 वोल्ट, पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस भी है, ये सेल रिएक्शन है। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, सेल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था एनोड हाफ सेल, इसमें एनोड वाला ये है, सो राइट इट एज पीवी सॉलिड टू Pb2+ सॉल्ट प्लस कैथोड हाफ सेल Ag+ टू Ag, सेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शंस दी थी, उससे हमने सेल रिएक्शन पे सेल लिखना था, लिखते वक्त ये ध्यान रखना था कि जो भी हम सेल लिखेंगे उसका EMF पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों रिडक्शन थे, ये पॉजिटिव में ही था, इसे और मैंने पॉजिटिव में कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया तो ये ऑक्सीडेशन बन गया। अगर दोनों ही पॉजिटिव होते फिर जो कम पॉजिटिव था मैं उसको माइनस करता, अगर दोनों नेगेटिव होते तो जो ज़्यादा नेगेटिव है मैं उसको रिवर्स करता ताकि वो पॉजिटिव हो जाए और समअप करने पर बाद में पॉजिटिव आ जाए। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरीका से आपने EMF ऑफ द सेल के क्वेश्चंस करने हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने लर्न नहीं करने, आपको गिवन होंगे। ठीक है, बस जस्ट आपने इस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख लेने हैं, फीजिबिलिटी चेक करनी है, ये फीजिबल है, सेल रिएक्शन क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, इसी को दूसरी वर्डिंग में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल है तो हम कह सकते हैं कि लेड के कंटेनर में हम Ag आयंस को स्टोर नहीं कर सकते, सिल्वर के सोल्यूशन को हम लेड के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, सिल्वर के कंटेनर में लेड के सोल्यूशन को स्टोर कर सकते हो, अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है तो इसकी रिवर्स पॉसिबल नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, सो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड ट्राई द न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व। ठीक है, अब इसके बाद अभी तो ये E0 सेल निकाला है, अब हम निकालेंगे E सेल, उसमें कंसंट्रेशंस भी चेंज हो जाएंगे, उसके लिए फिर हमने फर्दर टॉपिक स्टडी करना होगा। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो, अगर आपने इससे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वीडियोस नहीं देखे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के वीडियो नहीं देखे, देन प्लीज़ वो वॉच करिए, तब आपसे न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, एंड जैसे कि रोज कहता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कोई भी, देन यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी। ठीक है, और मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।